अगर आप इस छोटे से वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी साबूदानी की कोई भी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे साबूदाने को सही तरीके से कैसे भिगाया जाता है। साबूदाना भिगाने के हम दो तरीके देखेंगे, दोनों में से आपको जो भी पसंद आए वो ट्रिक अपना सकते हैं। दोनों भी तरीके बहुत ही आसान और परफेक्ट हैं। चलिए देखते हैं साबूदाना सही तरीके से कैसे भिगाते हैं। साबूदाने को अच्छे तरह से साफ कर लीजिए और 3 से 4 पानी से इसे धो लेना है। मैंने यहाँ पे आधा कप साबूदाना लिया है और यहाँ पे 3 पानी से मैं इसे धो ले रही हूँ। जब तक इसमें से वाइट पानी निकलते रहे तब तक धोना है। इसका पूरा स्टार्च निकल जाना चाहिए, देखिए इस तरह से। साबूदाना जब अच्छे से धुल जाए तो इसमें ऊपर तक पानी भर देना है, मीन्स इतना पानी भरना है कि ये बहुत अच्छे से इसमें डूब जाए, और ढक के आधा घंटे के लिए रख दीजिए। आधा घंटे के बाद ओपन कीजिए और इसमें का पूरा पानी निकाल दीजिए। जितना आप अच्छे से निकाल सकते हैं उतना पानी निकाल देना है। उतना पानी निकाल देने के बाद ढक के 4 घंटे के लिए रख दीजिए। 4 घंटे के बाद आप देखिए साबूदाना बिल्कुल रेडी है किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए। साबूदाने की खिचड़ी हो, साबूदाने के वड़े हो, या फिर कोई भी रेसिपी हो, एकदम दानेदार साबूदाना तैयार है। आप देख सकते हैं बिल्कुल दाने दाने एकदम अलग है। आप साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने के वड़े की बहुत सारी रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दिया हुआ है। साबूदाने को इस तरह से दबा के देखिए, एकदम दब जाएगा और आप कोई भी रेसिपी अच्छे से बना सकेंगे। दूसरा तरीका, दूसरे तरीके के लिए भी मैंने आधा कप साबूदाना लिया है, इसे अच्छे से साफ कर लिया है, 3 से 4 पानी से धो लेना है। मीन्स जब तक इसमें का स्टार्च या फिर वाइट पानी निकलते रहे तब तक धोना है। 3 से 4 पानी में निकल जाता है। निकल जाने के बाद पूरा पानी निकाल दीजिए और आपने जितना साबूदाना लिया है उससे आधे पानी में अब हम इसे भिगाएंगे। मैंने इसे 3 पानी से धो दिया है। धो लेने के बाद अगर आपने आधा कप साबूदाना लिया है तो 1/4 कप पानी इसमें डाल दीजिए। ढक के ओवरनाइट के लिए या फिर 7 से 8 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद आप ओपन करके देखिए, बिल्कुल रेडी है दानेदार साबूदाना। बिल्कुल इसके भी एक एक दाने बिल्कुल अलग हो जाएंगे और आप दबा के देखेंगे तो ये बहुत ही आसानी से दब जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। ये भी तैयार है किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है अब आपकी साबूदाने की कोई भी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इतनी अच्छी रेसिपी के लिए लाइक, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कीजिए, इससे आपको रेसिपी अपलोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।